वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं कॉलेज रिव्यूज़ की एक सीरीज स्टार्ट। और इस सीरीज में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे NIT ट्रिची के बारे में, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। सबसे पहले चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्लेसमेंट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, इसकी फ़ीस के बारे में और अन्य अदर इन्फॉर्मेशंस के बारे में, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी के सभी हम बात करेंगे 2020 के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ इमेजेस आपको देखने को मिलेगी, तो उन इमेजेस को अपने थोड़ा देख लेते हैं। तो ये सब फैकल्टीज आपको मिलने वाली है, उसके ये इवेंट्स की कुछ इमेजेस है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो इसके लिए इम्पोर्टेंट आपको जानना क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं, स्टडी के साथ साथ थोड़ा चिल भी होना चाहिए, तो अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। ये अपकमिंग इवेंट्स हैं NIT ट्रिची के, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई और मतलब हर मंथ में यहाँ पे आपको जो इवेंट्स है वो देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो आप यहाँ पे किस किस में एडमिशन ले सकते हैं, तो बीटेक, बी आर्किटेक्चर, एमटेक आर्किटेक्चर, एमएससी, एमसीए, एमबीए, एमएस बाय रिसर्च और पीएचडी। उसके बाद स्टूडेंट्स लाइफ की बात करें तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, क्लब्स एंड एसोसिएशंस हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज है, हॉस्टल एंड मेसेस है और ऑफिस ऑफ द डीन स्टूडेंट्स के लिए। उस सबसे पहले आपने बात करें हॉस्टल्स की, तो अपने हॉस्टल्स पे चलते हैं, हॉस्टल एंड मेसेस पे। तो अगर उसके बाद अगर हम बात करें हॉस्टल एंड मेसेस की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे हॉस्टल्स और हॉस्टल्स की कुछ इमेजेस। अगर इमेजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको अपने हॉस्टल्स पे क्लिक करते हैं, तो हॉस्टल्स पे आपको यहाँ पे हॉस्टल्स की जो इमेजेस है वो देखने को मिलेगी। ये सारी हॉस्टल्स की इमेजेज है। यहाँ पे पार्किंग होगी आपकी, ये हॉस्टल्स की एरिया, ये गर्ल्स हॉस्टल है आपका ये वाला। उसके बाद अगर बात करें, आगे चलते हैं, ये फर्स्ट ईयर यूजी के जी बॉयज़ हॉस्टल है एज एन डायमंड और कोरल के लिए। उसके बाद ये आपकी पार्किंग होगी। तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब जानते हैं इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इसकी प्लेसमेंट एरिया क्या है, इसकी आपकी कट ऑफ क्या मिलती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिटेल डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, अगर इसके डिटेल डिस्कशन की बात करें तो रैंक की बात करें तो ये आता है टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। इंडिया के जो टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें इसको शामिल किया जाता है। 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि काफ़ी पुराना ये NIT है। अगर मोड ऑफ एडमिशन्स की बात करें तो जेई मेन्स के थ्रू आपका इसमें एडमिशन होता है, जोसा की काउंसलिंग और सीसेप के स्पेशल राउंड के द्वारा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 75% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, 65% SC ST और PWs के लिए क्लास 12th में। अगर क्लास 12th में इतने आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद इसका जो कैंपस एरिया की बात करें तो ये कैंपस एरिया है 800 एकड़स में, यानी कि IIT दिल्ली से भी ज़्यादा। IIT दिल्ली शायद 400 एकड़स में है, लेकिन इसका कैंपस एरिया जो है वो है 800 एकड़स में। अगर हॉस्टल्स की बात की जाए तो आपके 22 हॉस्टल है और 5 गर्ल्स हॉस्टल है और 2 अभी तक निर्माणाधीन है, यानी कि उनका कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है वो चल रहा है और जल्दी आपके लिए वो भी खोल दिए जाएंगे। अगर इंस्टीट्यूट फीस की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है जिस प्रकार से NIT ट्रिची की जो रीच है। अगर इंस्टीट्यूट फीस की बात की जाए तो 72,000 पर सेमेस्टर है। हॉस्टल एंड मैथ्स की फीस की बात की जाए तो 39,200 जो है आपकी पर सेमेस्टर की फ़ीस रहने वाली है। फी वेवर्स के बारे में बात करें तो भैया, आप अगर SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 100% ट्यूशन फीस जो है आपकी माफ़ है। अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 1,00,000 पर NM से कम है तो आपके लिए भी जो फुल ट्यूशन फीस है वो माफ़ है। अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी फैमिली इनकम 1,00,000 to 5,00,000 के बीच में है तो आपकी जो 1/3 जो ट्यूशन फीस है वो आपकी माफ़ है। आगे बात की जाए इसके अंदर,
अगर आगे हम बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट का एग्जैक्ट एवरेज नहीं दिया हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि ब्रांच दे दी और कौन से ईयर में कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स इस ब्रांच में सिलेक्टेड हुए उसका दिया हुआ है। जैसे सिविल में 2017-18 में 84.8% और कंप्यूटर साइंस में 100% स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट हुए थे। इस प्रकार से कुछ डाटा जो है वो दिया हुआ है प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का अंडर ग्रेजुएट यूजी के लिए। अब बात कर लेते हैं भैया एवरेज प्लेसमेंट की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करें फॉर द अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी के लिए और एक पर्टिकुलर बीटेक के लिए, तो लेटेस्ट रिकॉर्ड है आर नॉट मैंशनड बाई NIT ट्रिची। NIT ट्रिची की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका कोई मैंशन नहीं किया गया है, नियर बाय यही रहने वाला है। तो 289 कंपनीज विजिट की थी NIT ट्रिची में 2017-18 में। 289 कंपनीज का फ्रेंड्स मतलब समझ सकते हैं आप कि कितना बड़ा नंबर है। तो 289 वो कंपनीज नहीं है, 289 सबसे बड़ी भारत की जो टॉप मोस्ट 289 कंपनीज है वो विजिट की थी 2017-18 में। इसका एवरेज पैकेज जो रहता है वो रहता है 8 से 10 से 11 लाख का, 8 से 10 लाख का आप मान सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज रहता है वो है आपका 17 से 20 लाख का। और अगर कंपनीज की बात की जाए तो आप भैया आपकी अमेजॉन, गोल्डन मैन, सेशेस, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एडोब, डिशो, मॉर्गन स्टैनले, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, गूगल और सैमसंग, ये सारी कंपनीज इसमें विजिट करती हैं। अगर आगे बात की जाए कोर्सेज की, तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलेगी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का 5 ईयर BA आर्किटेक्चर का आपका कोर्स करने को यहाँ पे आपको मिलेगा। ये भैया आपका NIT ट्रिची है पूरा का पूरा, आप इसका पूरा कॉलेज देख सकते हैं। NIT ट्रिची जो कि त्रिचुपल्ली में तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो ये पूरा का पूरा कॉलेज रिव्यू था NIT ट्रिची का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉलेज रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगला कॉलेज रिव्यू किस कॉलेज पे दिया जाए वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जल्द से जल्द हम आपको अगले कॉलेज का रिव्यू जो है वो भी प्रदान कर सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।